कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मैं हूं जत्रु और मैं रमणी भौजी। आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जोहार। जत्रु भाई, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे किसान भाइयों भी जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को नई नई और महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा हम देते रहते हैं, इसलिए उनको जो है हमारे कार्यक्रम बेसब्री से इंतजार रहता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? एकदम। और भौजी, अब समय हो चला है कृषि समाचार का। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। तो किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम को बढ़ाएंगे और आपको सीधे ले चलते हैं कृषि समाचार दिखाते हैं। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेस। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गिरिडीह और हजारीबाग में दुधारू पशुओं के लिए बाजपा निवारण कार्यक्रम का आयोजन। प्याज फसल में बैगनी धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए करें मैंगो जेब दवा का उपयोग। गेहूं के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद के 9107। और अब समाचार विस्तार से। गव्य विकास निदेशालय की ओर से गिरिडीह और हजारीबाग जिले में दुधारू पशुओं के लिए बांझपन निवारण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंडों में 9 अक्टूबर से 11 अप्रैल 2016 तक और हजारीबाग जिला के विभिन्न प्रखंडों में 9 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2015 तक शिविर लगाया जाएगा। सभी प्रखंडों के लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित हैं। इन जिलों के दूध उत्पादक या दुधारू मवेशी पालक अपने दुधारू मवेशियों के साथ अपने नजदीकी शिविर में भाग लेकर इस कार्यक्रम से लाभ उठाएं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना के तहत पूरे देश में चुने गए विनियमित मंडी में उपयोग किए जाने योग्य एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि मंडी के संवर्धन की केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम को 2015-2016 से वर्ष 2017-2018 के दौरान 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्याज फसल लगाने के बाद जब मौसम में नमी बढ़ती है तो पत्तियों में बैगनी धब्बा रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा से बने घोल का फसल पर छिड़काव करना ज्यादा कारगर होता है। प्याज फसल की पत्तियों पर जब बैगनी धब्बा लगने लगता है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होती है। इससे सबसे पहले पत्तियाँ मुड़ने, सिकुड़ने और मुरझाने लगती है, जो पौधे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। किसान भाई, प्याज फसल में इस रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा 2-3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इसके नियंत्रण के लिए हम मैंकोजेब नाम की दवाई का 2-3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल के ऊपर छिड़काव करते हैं। इससे प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। ज़रूरत पड़ने पर इस छिड़काव को 15-20 दिन के बाद एक बार दोहराया भी जा सकता है। गेहूं की बुआई के लिए मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। गेहूं से अधिकाधिक उपज लेने के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चयन करना ज्यादा लाभकारी होगा, आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाई जो गेहूं की खेती करना चाहते हैं वो K9107 जैसी किस्म जो कानपुर से रिलीज है तथा HUW 234 तथा HUW 436 जैसी किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। बिरसा गेहूं 3 भी किसान भाई लगा सकते हैं और उससे उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान अपनी फसलों पर पाउडर दवा का भुरकाव करने के लिए रोटरी डस्टर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बॉक्स नुमा हिस्से में पाउडर दवा को डालकर ढक्कन को बंद कर दिया जाता है और जब रोटरी को घुमाया जाता है तो पाउडर का भुरकाव होने लगता है। आइए जानते हैं बैगन फसल में फलछेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। बैगन फसल में यदि 5% से ज्यादा फलछेदक कीट का प्रकोप दिखे तो साइपरमेथ्रिन 25 EC दवा 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस, देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस, वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति गढ़वा में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2300 रुपए से 2900 रुपए, दाल अरहर 13000 रुपए से 15000 रुपए, आलू 1000 रुपए से 2000 रुपए और प्याज 4000 रुपए से 5000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही, अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। जो तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी बहुत से जानकारियां प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर के मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। तो जत्रु भाई, अब वक्त हो चला है छोटे से विराम का। आप जो है हमेशा मेरे मुँह की बात छीन लेते हैं। तो किसान भाइयों, हम जल लौटते हैं एक छोटे से विराम के बाद। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करू नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। तो भौजी, जानते हैं आज हम किसान भाइयों के लिए क्या जानकारी लेकर आए हैं? जी ये तो मुझे पता नहीं, ये आप ही बता दीजिए हमारे किसान भाइयों। भौजी, अब हमारे झारखंड में भी राजमे की खेती होती है। अच्छा ऐसा? और राजमे की वैज्ञानिक खेती हमारे किसान भाई कैसे करेंगे, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर चंद्रशेखर महतो। आज हम जानेंगे कि राजमा की वैज्ञानिक खेती कैसे करें और उनके उन्नत प्रभेद कौन कौन से हैं। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रशेखर महतो जी। दलहनी फसलों में राजमा हमारे झारखंड का प्रमुख फसल भी है, ऐसे में अगर हमारे किसान भाई राजमा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए खेत की तैयारी कैसे करें? जी किसान भाइयों, एक राजमा जो एक फसल है, ये एक किसान झारखंड के किसानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित फसल नहीं है, लेकिन इसकी असीम संभावनाएं हैं झारखंड के किसानों को। ये मुख्यतः जो उत्तरी क्षेत्र है भारत के, उस क्षेत्र में होती हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में भी होती हैं। तो अगर हम झारखंड के किसान को इस फसल को लगाना चाहें तो इनकी खेती में दो तीन बातों का ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि अगर ध्यान दें किसान इन बातों का तो अधिक से अधिक उपज मिल सकता है। तो राजमा जैसे कि मैंने बताया एक दलहनी फसल है, और ये दलहनी फसल मुख्यतः रबी के मौसम में इस क्षेत्र में लगाई जाती है। तो अभी जैसे रबी मौसम आने वाले हैं तो इसमें राजमा हम खेतों में सफलतापूर्वक लगा सकते हैं। इसके लिए जो खेतों का चुनाव होता है इसमें बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है, जो परंपरागत दलहनी फसल है उसको हम जो खेत में लगाते हैं वही खेत इसके लिए भी उपयुक्त होती है। तो जब हम खेत का चुनाव कर लेते हैं तो उसमें दो तीन बार देसी हल से जुताई कर लेते हैं, उसके बाद पाटा चला के समतल कर लेते हैं जिससे कि वो खेत जुताई के लिए तैयार हो जाए। तो जब राजमा की फसल हमारे किसान भाई करेंगे तो आपने बताया कि खेत की तैयारी तो बहुत ही अच्छी तरह से कर लेंगे, अब एक प्रभेद का हमारे किसान भाई चयन नहीं कर पाते हैं, तो वो उत्तम प्रभेद कौन हो कि जो कम समय में अधिक से अधिक मुनाफा हमारे? जैसे मैंने बताया कि जो राजमा एक दलहनी फसल है, इसमें दो तीन जो किस्में हैं वो बहुत प्रचलित है, लेकिन हम लोगों ने अपने विरसा कृषि विश्वविद्यालय में प्रयोगों से देखा कि एक स्वर्णप्रिया,
ये एक किस्म का नाम है राजमा का, ये बहुत ही अच्छा इसमें प्रदर्शन कर रहा है झारखंड के खेतों में। तो हम चाहेंगे कि ये जो स्वर्णप्रिया किस्म है ये हम किसान भाई लगाएं, इनके बीज की उपलब्धता हम सुनिश्चित करते हैं। आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आके इस जो स्वर्णप्रिया किस्म है राजमा की, इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ये लगभग 4 से 4.5 महीना में फसल तैयार हो जाती है और इसमें भरपूर उपज प्राप्त होती है। डॉक्टर साहब, अब हम जानना चाहेंगे कि राजमा जो है दलहनी फसल में आता है और इसमें फर्टिलाइजर की आवश्यकता कम होती है, लेकिन कुछ मात्रा तो होती ही होगी जो डालना पड़ेगा, तो वो उचित मात्रा क्या है? जी जी, पंक्तियों के बीच की दूरी 35 से 40 सेंटीमीटर रखें और इसको जो पौधे से पौधे के बीच की दूरी है वो 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। तो इसमें ये होता है कि जब कोई भी काम होता है निकाई गुड़ाई का, उसमें आसानी हो जाते हैं। इसके अलावा जो सिंचाई की हम देते हैं सभी फसलों में, सभी पौधों में समान रूप से पानी की आवाजाही हो पाता है और इससे फसल अधिक उत्पादन होता है। रही बात इसके लिए खाद की मात्रा की, क्योंकि ये दलहनी फसल है इसमें यूरिया अतिरिक्त नहीं लगता है, इसमें जो गांठ होती हैं जड़ों में वही वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होता है गैस के रूप में रहता है वायुमंडल में, उसको प्राप्त करके यूरिया की एक प्राप्ति कर लेते हैं। तो इसमें इसके अलावा यूरिया तो ये वायुमंडल से ले लेते हैं क्योंकि दलहनी फसल है। तो इसमें रही बात पोटास की और DAP की, तो ये देना पड़ेगा, पोटास देना पड़ेगा और DAP देना पड़ेगा। ये लगभग 40 KG प्रति एकड़ की दर से आप इसमें दे सकते हैं पोटास और DAP का खतरा। DAP में कुछ मात्रा यूरिया भी रहती है, जिससे कि इसके जो आवश्यकता होती है वो अच्छी तरह से प्राप्त हो जाती है DAP से। अब हम जानना चाहेंगे कि झारखंड प्रदेश में हमारी जो जमीन है वो ढालनुमा है जी, तो ऐसे में अगर हमारे किसान भाई राजमा की खेती करना चाहते हैं तो उनकी कितनी संभावना है? जी, जल जमा होने से पौधे मरने लग जाते हैं और उसमें उत्पादन में ह्रास होता है। तो ढलवाही जमीन झारखंड के लिए जो बना हुआ है तो इसमें बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसान भाइयों को, इसमें जल जमाव नहीं हो पाएगा। जल जमाव नहीं होने से इसमें इसकी उत्पादन होगी, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ढलवाही जमीन में भी किसान भाई अधिक उपज ले सकते हैं। इसमें थोड़ा गोबर की मात्रा देने की आवश्यकता पड़ती है, गोबर खाद चूँकि ये एक अधिक दिनों में तैयार 4 महीना में तैयार होने वाली फसल है, तो और इसकी जो बीज होती है उसी को हम लोग राजमा के रूप में खाते हैं, सब्जी बनता है, दाल बनता है, तो इसमें गोबर की मात्रा जरूर देना चाहिए खेतों में, ताकि उसमें जो नमी बना रहे खेतों में ढलवाही जमीन का वो बरकरार रहे। लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि रवि दलहनी फसल में हमारे किसान भाई के लिए और कृषि कार्य कौन कौन से हैं जो अभी के समय में उनको उचित करना चाहिए? उसमें मुख्यतः किस्मों के चुनाव करें, जैसे चना हुआ, तीसी हुआ, मसूर हुआ, राजमा हुआ, इस तरह का, या सरसों हुआ, राय सरसों जो कि बहुत से किसान लगाना शुरू कर दिए हैं। जो किसान राय सरसों लगा लिए हैं उनको अभी चाहिए कि निकाई गुड़ाई करें हैं एक दो बार, जैसे कि अभी देख रहे हैं बारिश कम हो रही है, बारिश का संभावना भी नहीं लग रहा है, तो अगर सिंचाई के साधन हैं तो एक दो सिंचाई जरूर कर दें और निकाई गुड़ाई जरूर कर दें। ये लगभग 25 दिनों से 40 दिनों के बीच में एक से दो बार जरूर कर लें, या इसको हाथ से खुरपी की सहायता से निकाल दें, ताकि पौधे के जड़ों का विकास सही तरीके से हो सके और उसमें अगर लगाते समय सरसों राई में घना पौधा हो जाएगा तो निकाई गुड़ाई के समय में कुछ उसको पतला कर दें, घना फसल को पतला कर दें, जिससे कि एक एक पौधा का बढ़वार अच्छी तरह से हो सके। चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजमा के लिए हमारे किसान भाई क्या विशेष सावधानी बरते या कि विशेष देखभाल करें? जी, राजमा की फसलों में बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें अन्य फसलों की तरह ही इसको भी इसका जो उपचार है यही करना चाहिए। इसमें कुछ क्योंकि ये दलहनी फसल है तो इसमें जो हम उसको भंडारण करते हैं उस समय कीड़े का प्रकोप थोड़ा हो जाता है, तो उन कीड़ों को बचाव के लिए हम सल्फास नामक एक जो दवाई आती है उसको हम जो भंडारण के समय बीजों में मिला देते हैं। ये गैस के रूप में आता है
और ये भंडारण का जिसमें हम जिस बोरा में या फिर जिस ड्रम में रखते हैं उसको अच्छी तरह से सील कर दें ताकि इसका आवाजाही हवा का आवाजाही जो कम रहे, और हवा का आवाजाही होने से कि उसमें नमी चला जाता है, जो वायुमंडलीय नमी है वो चला जाता है, तो ये नमी जो भंडारण में कीड़े मकोड़े हैं उसके लिए बढ़ने के लिए उपयुक्त वातावरण मिलता है, तो इस इन बातों को हम ध्यान दें। इसके अलावा अगर बोरा में किसान भाई रखते हैं अपना भंडारण करते हैं तो नीम की सूखी पत्ती उसमें कुछ डाल दें जिससे कि जो भंडारण के समय कीड़ों मकोड़ों का प्रकोप होता है वो नहीं हो पाए। किसान भाइयों, आपने देखा कि अगर राजमा लगाना जा रहे हैं या लगा चुके हैं तो हमारे किसान भाइयों के लिए कितनी अच्छी और समुचित जानकारी हमारे विशेषज्ञ ने दी। उम्मीद है कि आप इसका पालन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। कैसी लगी भौजी जानकारी? जानकारी तो जत्रु भाई बहुत ही महत्वपूर्ण थी और उम्दा थी। हम आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई इस जानकारी से जरूर लाभ उठाएंगे। तो जत्रु भाई, एक छोटा सा क्यों ना हम लोग विराम लेंगे, हम लोग बहुत थक गए हैं जानकारी लेकर के। तो किसान भाई, हम जल्द लौटते हैं एक छोटे से विराम के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी किसान भाइयों का फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो अच्छा भौजी, क्या जानकारी आज हमारे किसान भाइयों के लिए आपके पास दूसरी जानकारी? वैसे जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा पहली जानकारी की तरह ही दूसरी जानकारी भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जत्रु भाई, आज हम अपने किसान भाइयों को बताएंगे कि कृषि उपकरण अगर आप जो है अगर यंत्र इस्तेमाल करते हैं किसान भाइयों, तो एक बैंक है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कृषि उपकरण बैंक है जिसपे आप जो कृषि संबंधी जो भी उपकरण है वो आप किराए पर ले सकते हैं और फिर बैंक को वापस कर सकते हैं। वाह जी, ये तो बहुत अच्छी है। और क्या है कि यदि हम किराए पे लेते हैं और कम उसके जो किराया है वो भी सीमित होगा? जी बिल्कुल, इस बैंक से हमारे किसान भाई को जो है वो बहुत ही आराम होता है, बहुत ही आसानी होता है कृषि उपकरण को इस्तेमाल करने का। तो और भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं किसान भाई जो हमारे विशेषज्ञ आपको देंगे। दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के कड़ी में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कृषि यंत्रों द्वारा खरपतवार के नियंत्रण के ऊपर। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो खरपतवार है इसके नियंत्रण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? खास के हमारा देश, हमारा राज्य जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ फसलों का उत्पादन जो है घास के कारण, खरपतवार के कारण काफ़ी जो है प्रभावित होता है। जो भी हम खाद या पोषक तत्व फसलों में देते हैं उसका 50% वो खरपतवार जो होता है उसके द्वारा जो है शोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण उत्पादन में काफ़ी प्रभावित होता है। और इसके लिए किसान भाई खास के खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है जिससे आपका उत्पादन जो है बढ़ सके। लेकिन डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो ये जो खरपतवार के नियंत्रण है इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं? खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाई हम दो तरीके से, या तो हम उसको मैन्युअली जैसे घास को निकालते हैं उसे हम निकालेंगे, या बहुत सारे यंत्र है जिसके द्वारा भी है खरपतवार का नियंत्रण हम लोग करते हैं। यंत्र भी दो तरह के होते हैं, एक तो मैन्युअली ऑपरेटेड होते हैं जिसको किसान भाई उस यंत्र को खुद चलाते हैं और उसके द्वारा खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। दूसरा यंत्र जो होता है वो पावर ऑपरेटेड होता है, उसमें इंजन होता है और वो फ्यूल से चलता है, जिसके कारण भी जो है काफ़ी क्षमता उसकी होती है और बहुत कम समय में अधिक से अधिक जो है भूमि में जो है खरपतवार नियंत्रण जो है किया जा सकता है। अगर हम मैन्युअली, कोई भी किसान अगर मैन्युअली खरपतवार नियंत्रण करता है तो वो एक दिन में 5 डिसमिल, 3 से 5 डिसमिल ज़मीन में खरपतवार नियंत्रण कर सकता है। लेकिन अगर हम वही यंत्र के सहारे अगर हम नियंत्रण करते हैं
खास के धान के खेत की बात हम करते हैं, तो अगर हम कोनो वीडर या जपनीज पैडी वीडर से हम खरपतवार के नियंत्रण करते हैं तो एक किसान जो है एक दिन में 30 से 35 डिसमिल में खरपतवार का नियंत्रण जो है कर सकता है, जिससे हम देखते हैं कि लेबर कॉस्ट जो है काफ़ी कम हो जाता है। खास के धान की खेती में हम देखते हैं कि उत्पादन जो प्रभावित करता है लेबर कॉस्ट से, इनपुट में सबसे ज़्यादा कॉस्ट लेबर में होता है, अगर हम उसी यंत्र द्वारा हम करते हैं तो लेबर कॉस्ट काफ़ी सेविंग हो जाती है, इसके कारण जो है उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। किसान भाई हम ये देखते हैं क्या कि हम खरपतवार का नियंत्रण या तो हम पानी वाली खेतों में कर सकते हैं या ड्राईलैंड खेतों में, जो शुष्क खेत है सूखा खेत है उसमें हम करते हैं। दोनों के यंत्र अलग अलग तरह के होते हैं। खास के जो सूखा खेत होता है उसमें खास के सब्जी जैसे लगाते हैं या कोई क्रॉप लगाते हैं, हम लाइन में लगाते हैं, उसमें हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं, उसके लिए अलग तरह के यंत्र होते हैं, वो भी मैनुअली ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड होते हैं। तो हम ये चीज़ को सावधानी हमको देना ज़रूरी है कि फसल लाइन में होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि उसमें पानी होना चाहिए, अगर धान के खेत है तो उसमें पानी होनी चाहिए। तो इस तरह से देखते हैं, एक खास के जो है धान के खेत में जो यूज करते हैं पावर वीडर है उसका कीमत 35,000 है, और कोनो वीडर है उसका कीमत 1500 रुपया करीब करीब आता है। डॉक्टर साहब, ये जो कृषि यंत्र है खरपतवार नियंत्रण के, इसकी मतलब पूर्ति के लिए, इसके बारे में से जानकारी के लिए वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? किसान भाई, खास के जो खरपतवार नियंत्रण के लिए जो भी यंत्र हैं, कोनो वीडर है या सिंगल व्हील हो या पावर वीडर है, ये सारी जो है खास के जो भी डीलर्स होते हैं, जो यंत्र के डीलर्स होते हैं, कृषि यंत्र जहां मिलता है या ट्रैक्टर वगैरह के डीलर होते हैं, उससे हम कंसल्ट करने पे वहां से उपलब्ध हो जाएगा। यह सरकार के द्वारा भी योजना चलता है, खास के भूमि संरक्षण विभाग, हर जिला के भूमि संरक्षण विभाग में ये योजना, वहां से खास के जो है लोगों को सब्सिडी पे भी उपलब्ध हो जाता है, 50% सब्सिडी या 75% सब्सिडी। जब हम कृषि यंत्र बैंक के लिए अगर हम यंत्र खरीदते हैं तो उसमें 75% की सब्सिडी उपलब्ध है सरकार द्वारा, और अगर इंडिविजुअल हम कृषि यंत्र कोई भी खरीदते हैं तो उसमें जो है 50% की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है, तो वहाँ से भी हम इसको यंत्र को खरीद सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम लास्ट में आपसे चाहेंगे कि ये जो छोटे किसान होते हैं, हमारे गांव में छोटे किसान हैं जिनकी आमदनी उतनी नहीं होती है, तो उसके लिए सरकार की क्या क्या योजना होती है इस संदर्भ में? किसान भाई, सबसे पहले तो है कि अगर आप खरपतवार का नियंत्रण सही ढंग से करना चाहते हैं और यंत्रों को द्वारा करना चाहते हैं तो आप फसल को लाइन में लगाएं। अगर आप लाइन में लगाएंगे तभी यंत्र का इस्तेमाल उसमें आप कर सकते हैं, और जब यंत्र का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बहुत सारे यंत्र हैं जो कि बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है। खास के अगर कोनो वीडर आप इसमें धान की खेती में कोनो वीडर का इस्तेमाल करते हैं तो इसका कीमत 1500 रुपया है। ये मार्केट में अगर आप खरीदेंगे, हर जगह अवेलेबल है मार्केट में खरीदेंगे तो इसका कीमत 1500 है, लेकिन सरकार खास के जो है इन किसानों के लिए वो उपलब्ध कराती है सब्सिडी पे या फ्री में भी उपलब्ध कराती है। बहुत सारा विभाग है या बहुत सारा NGO है जिसको द्वारा भी ये स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जहाँ से वो किसानों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कराते हैं। खास के अभी जो है अभी सरकार जो है श्री विधि पे काफ़ी जोर दे रही है कि किसान भाई अगर श्री विधि से खेती करते हैं तो काफ़ी जो है उसमें उत्पादन बढ़ जाता है, 1.25 गुना से 1.5 गुना तक जो उत्पादन बढ़ जाता है। और श्री विधि से खेती करने में खास के खरपतवार नियंत्रण के लिए जो है कोनो वीडर मस्ट है। उसमें होता है क्या कि 15 दिन को बाद जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसके 15 दिनों के बाद जो है घास को निकालने के लिए कोनो वीडर इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद पानी को निकाल देते हैं हम, तो उसमें कोनो वीडर बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए सरकार व्यवस्था करती है फ्री ऑफ कॉस्ट भी या सब्सिडी पर भी उपलब्ध कराती है। डॉक्टर साहब, अब हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी थी भौजी। जैसे हमारे गरीब किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, वो इस बैंक से ट्रैक्टर किराए पे लेकर समय से अपना खेती कर सकते हैं और उससे वो लाभ ही कमा सकते हैं। जत्रु भाई, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी थी। जी देखिए भौजी, जानकारी तो हमारे पास और भी है, मगर क्या है कि समय भी होता जा रहा है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने, मगर समय तो हो चुका है जत्रु भाई, मगर हम ये एक चीज़ और भी है कि अभी जो है वो नवरात्र का त्यौहार जो है उसकी शुभारंभ हो चुकी है और हम सभी किसान भाइयों से ये आशा करते हैं कि नवरात्र का त्यौहार उनके लिए यानी कि जो माँ दुर्गा का शक्ति का स्वरूप का जो ये त्यौहार है उनके लिए वो अच्छा हो, इस साल माँ दुर्गा उनके घर में सुख और समृद्धि लेकर के आए। तो हम सभी किसान भाइयों को मैं रमणी भौजी की तरफ से और मैं जत्रु सभी किसान भाइयों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जत्रु भाई, हमारे किसान भाई ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर उनके पास कोई भी जानकारी, अगर कोई भी सुझाव हमारे किसान भाई हमारे इस कार्यक्रम को देना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क कर सकते हैं, तो आप हमारे किसान भाइयों को पता बता दीजिए। तो किसान भाइयों, कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। और जैसा कि हम हमेशा आपसे वादा करते हैं कि अगले अंक में आपके लिए नई नई और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं रमणी भौजी और मैं जत्रु, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।